बेसिक बात है वो यही है कि अगर हम पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए हैं, हमने वही जो अवाम का मैंडेट है, उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं की जो उनसे वोट छीना गया है, वो बात हमने छोड़नी नहीं है। वो बात हमने ना अदालतों में छोड़नी है, ना वो हमने असेंबली में छोड़नी है, और ना हमने सड़कों और गलियों और चौकों में छोड़नी है। वही हम करते रहेंगे जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिल जाता। यहाँ तक खान साहब ने कहा है कि किसी मेंबर को, किसी को अगर उठाया जाता है, अब आपने हर एक असेंबली में, चाहे वो केपी की असेंबली हो, पंजाब की हो, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, आपने भरपूर एहतजाज करना है और उसके खिलाफ आवाज उठानी है। स्पेशली जो कल का फैसला भरत साहब ने जिस तरह डिटेल से बताया, ये हमारी बहन यहाँ पे शंदाना गुलजार साहिबा है, औरतों के जो रिजर्व सीट्स है, माइनॉरिटी के रिजर्व सीट्स जो है, अजीब सी बात ये है कि लोगों ने मैंडेट दिया है पीटीआई को और वो अब ये कोई इनके खाला जी का घर है कि एक से लेके दूसरे को दे दे, ये कोई इनकी मर्जी तो नहीं है। अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसी के मुताबिक ये रिजर्व सीट होनी चाहिए। जमहूरियत में असल चीज होती क्या है, जमहूर का, अवाम का फैसला अपने नुमाइंदों के जरिए। ये फॉर्म 47 वाले जो बैठे हुए हैं, इनको तो लोगों ने वोट नहीं दिया, ये 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया है, हमारे लोगों को दिया है। ये 9 फरवरी को और 10 फरवरी को जो जीत के आए हैं, इनको हम आराम से नहीं बैठने देंगे, ना इनको अवाम का मैंडेट छीनने देंगे, और हम हर जगह पे इसकी इंशाल्लाह भरपूर मुखालफत करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे इंशाल्लाह।